अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल, जिसमें हमने आलू मटर गाजर ली हैं। आधा किलो आलू हैं, आधा किलो गाजरें हैं, पाव मटर हैं, दो अदद हमने प्याज लिए हैं, एक अदद टमाटर है, अदरक लहसुन लिया है हमने 1 टेबल स्पून, तकरीबन 2 टेबल स्पून घी में हमने प्याज शामिल करके अच्छे से हम इसको सौते कर लेंगे। आँच को मीडियम ही रखेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन टमाटर साबित ही ऐड करें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो तमाम मसाले हमने लिए हैं वो शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची ऐड की हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आलू ऐड कर रही हूँ। आलूओं को ऐड करके अच्छे से इसको भून लीजिएगा। जितना अच्छा भुनेगा उतने ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट निकलेगा। भुनाई से खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें गाजरें शामिल कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आँच को जो है वो आप मीडियम ही रखिएगा, आँच तेज़ नहीं करिएगा। अब हम इसमें मटर शामिल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल करी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी। फिर 15 मिनट मैंने तकरीबन लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जायकेदार बेहतरीन आलू मटर गाजरे रेडी हो चुके हैं। आप भी इसी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।